तस्वीरें हैं गवर्नमेंट स्कूल की और सभी बूथ आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, वहाँ से दिखाईगा पूरे के पूरे जो बूथ है वो यहाँ लगे हुए हैं और अपना मतदान करेंगे। मैं फिर बार बताना चाहूँगा, फर्स्ट वोटर। तो यहाँ इस समय मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मौसम सुहावना है। मौसम सुहावना के कारण जो है गर्मी ज़्यादा नहीं है, लोग धीरे धीरे तो यहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद जो अपना वोट का मतदान यहाँ चल रहा है। तो एक तरफ सभी जो बूथ्स हैं वो यहाँ लगे हुए हैं और वोटों की अपील भी करते हुए और साथ साथ में सभी जाते हुए तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंदल चल हरियाणा के साथ। ये लाइव ये तस्वीरें और इस समय बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिला हैं, उनको मोटरसाइकिल पर लेकर के आया गया है और उनके वोट को यहाँ डाला जाएगा। और किस प्रकार से आप देखते हैं, फर्स्ट वोटर होंगे शायद, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बेटा फर्स्ट वोटर हैं आप, फर्स्ट पहली बार वोट डाला है। तो जिसका इंतज़ार था वो हमें मिल चुके हैं और नाम पूछेंगे। और एक वोट डालने में एक वोट की जो शक्ति है, जो बताया जाता है कि वोट हमारा एक हक है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोनिका जांगड़ा इज माय नेम। तो वोट डाला है, क्या मन में था, किस प्रकार से एक वोट को एक पावर के तौर पर देखते हैं? एक्चुअली वोट मैंने फर्स्ट टाइम ही वोट डाला है और इसको फील के मुझे बहुत प्राउड फील हुआ है। इवन देन जब मैं अपना वोट डाला था मेरी बॉडी शिवर कर रही थी कि मैं सही से डिसीजन ले रही हूँ, कुछ उस इंसान के लिए डिसीजन ले रही हूँ, हमारे लिए कुछ करेगा या हमारे शहर के लिए कुछ करेगा। तो एक डिफरेंस क्रिएट करके एक सही डिसीजन लेना इज अ मस्ट गुड थिंग एंड वी फील रियली प्राउड कि हम इस लायक है अपने मतदान दे के कि हम अपने एक अच्छे नागरिक को चुन के अपने लिए कुछ करवा सके। किस प्रकार का एक चेयरमैन या एक जो जिसको चुनते हैं वो उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या हम एक भी अपने लिए लीडर चुन रहे हैं या फिर हमारे लिए कोई एक मोहल्ले के लिए लीडर चुन रहे हैं तो उसमें हम यही देखें कि वो हमारी साफ सफाई का ध्यान रहे या कहीं गंदगी आ रही है तो हम उसको रिपोर्ट करें तो एटलीस्ट वो आगे जाके हमारी बात पहुंचा सके और हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी रख सके, उसके लिए काम करे, बड़े बुजुर्ग का जात पात का भेदभाव ना करे और जो हमारे फ्रीडम है और हमारी जो फंडामेंटल्स ऑफ राइट्स है उसको लेके प्रोसीड करे। तो हमारा फर्स्ट रिव्यू यही रहता है कि जो इंसान उसके लिए वर्क करेगा हम उसे वोट दें। मोनिका, वोट एक अहम रोल है, वोट एक कीमत है, वोट एक मूल्य है अपने पूरे जीवन का लोकतांत्रिक। और जो लोग हैं वो यहाँ इस समय अपना वोट डाल करके जाते हुए आते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा पूरे पुख्ता इंतजाम जो यहाँ किए गए हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत ना हो। और 10 सेंटर है और सभी जो लगाया जा रहा था कि मौसम काफी गर्म होगा लेकिन मौसम है और हम लोग के द्वारा पुख्ता इंतजाम है, ज्यादा भीड़ भाड़ का नहीं। माता से बात करेंगे, माता क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? सुरेंद्र कौर जी। तो वो डाल दिया माता? नहीं अभी नहीं डाला, मेरे साथ के पता नहीं किधर गए, उनको ढूंढ रहे हैं। डालेंगे अभी? हाँ जी डालेंगे। हाँ जी, तो देखिए का है, चाहे बुजुर्ग है महिला है वो अपने अधिकार को अपने के अधिकार को यहाँ लोग कहाँ से है किस प्रकार से है जैसे जिसको बोल क्या नाम वो डाल दिया। कैसे हेल्प करते हैं आप लोग यहाँ? चेयर से ले जाते हैं। और किधर आए आप यहाँ लोग? यहाँ स्काउट गाइड की तरफ से आए, शिक्षा विभाग की तरफ से। जो बुजुर्ग हैं उनको सहायता करते हैं यहाँ पर, बुजुर्गों की सहायता के लिए भी जो है। जी हाँ जी हाँ जी सर, ये जो आज स्काउट गाइड की ड्यूटी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट करनाल में लगाई हुई है, ये स्काउट गाइड की ड्यूटी है। स्काउट गाइड के बच्चे व्हीलचेयर के ऊपर हैं, रेड क्रॉस की तरफ से है। तो एमएम पब्लिक स्कूल के जो स्काउट हैं ये हर बूथ के ऊपर हैं और यहाँ इस बूथ के ऊपर 3 स्काउट की ड्यूटी है। चलो साइड में ले जाए। तो लाइव ये तस्वीरें और इस प्रकार से पुलिस इंतजाम करके जो है रास्ते को जो है और
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस समय इसको सारे इंतजाम किए गए हैं कि बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों को व्हील चेयर पर ले जा करके मैं फिर बताऊं कि आज लोकतांत्रिक ये पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने अधिकार को यहाँ समझ रहे हैं। तो किस प्रकार से ये तस्वीरें हैं और बिल्कुल सड़क के उस ओर भी जो है काफ़ी बोर्ड्स जो है लगे हैं और लोग अपने अधिकार का, अपने मत का बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ प्रयोग करते हुए और जांच जो अधिकारी, इलेक्शन जो ड्यूटी के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचते हुए तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असम दलचल हरियाणा के साथ। बड़े ही अच्छे तरीके से बच्चे हैं, फर्स्ट वोटर हैं, बेटे तुमने फर्स्ट टाइम डाले हैं, फर्स्ट टाइम वोट डाले हैं बेटे, आपका वोट डल गया फर्स्ट टाइम है। तो जो ऐसे युवा जो फर्स्ट टाइम अपना वोट डालते हैं, मन में होता है किस प्रकार वोट डाल करके, क्या मन में होता है जब आप फर्स्ट टाइम अपना वोट डालते हैं, वोट आपका और बिल्कुल, और क्या मन में आता है? हमारे मन में बहुत खुशी थी, वोट डाल के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें पक्का पता है कि हमारी चाची जी जरूर जीतेगी। कैसा कैंडिडेट आप लोग चाहते हैं कि कैसा कैंडिडेट हो जो हमारी मूलभूत सुविधाओं को जो पूरा करे, जो हमारी सारी सुविधाएं पूरी करे, जो हमारी आम जनता की मांग होती है किसी भी चीज से रिलेटेड वो पूरी करे, यही बस हमारी उम्मीद है। इसी उम्मीद पे सब लोग वोट दे ही जा रहे हैं। जब बटन दबाते हैं तो काफी कुछ सोचते हैं कि क्या ये कैंडिडेट मेरे लिए ठीक होगा या नहीं, क्योंकि एक युवा, युवा के ऊपर पूरा देश होता है, क्या मन में आता है फिर? हमें तो बस यही है कि जब वोट वो बटन दबाते हैं तो भी हम पहले मन में तसल्ली करके जाते हैं कि हाँ उसका बटन दबाना है जाके और यही हमारे लिए सही है। उन लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग अपने वोट को किसी न किसी चैनल के माध्यम से, पैसे के माध्यम से बेच देते हैं? वो गलत कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। जो हमारा अधिकार है, मतलब जिससे हम जो उम्मीद रखेंगे, हमें उन्हीं से वोट डालनी चाहिए, अपनी वोट खुद डालनी चाहिए, बेचनी नहीं चाहिए। अपना नाम बेटे? मेरा नाम स्वाति है। सिंबल करना बेटे। तो अपने अधिकार को यूज करके आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम है और जैसे कि वोट है हमारा आम आदमी का, सभी का अधिकार होता है, ठीक है, ये डालना ही जरूर चाहिए भाई। किसी को अपने घर नहीं रखना चाहिए या कोई कारणवश कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए फैसिलिटी होती है, सभी देखो प्रोवाइड करवाते हैं। आम आदमी का अधिकार होना चाहिए भाई, क्या एक एक वोट इस टाइम कीमती होता है और शायद इसीलिए ये चीजें बनाई जाती है कि कैसे वोट होना है भाई, किसको वोट देनी है, क्योंकि इसमें हम अपनी मर्जी से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना एमसी चुनते हैं, क्योंकि हमें वो 5 साल तक हमें ये देखना होता है भाई वो हमारे लिए काम करेगा। ये सारी चीजें हमें बिल्कुल सोच समझ के फैसला लेना होता है भाई, हम किसको सही आदमी को चुन रहे हैं, क्योंकि हमारा एक वोट, एक गलत फैसला बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो युवाओं में जोश है कि वोट की जो कीमत है, वोट का जो अधिकार है, वो अपना आप प्रयोग जरूर करें, जरूर करें, अपना वोट सारे काम छोड़ करके अपना वोट जरूर डालें। लोकतांत्रिक ये पर्व, इस समय आप देख सकते हैं लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं और मौसम सुहाना है, वोटिंग जो स्तर है वो काफ़ी हाई होगा और 70-75% का जो एक आंकड़ा यहाँ लगाया गया कि 70-75% का आंकड़ा वोटिंग आज जरूर, जो यदि गर्म दिन होता तो यही आंकड़ा 60% के ऊपर होता। लाइव ये तस्वीरें असम दलचल हरियाणा के माध्यम से तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे असम दलचल हरियाणा के साथ। आवाज कर स्त्री आवाज कर, और भाई तो गुड़िया का फर्स्ट टाइम डाला है वोटर, सेकंड टाइम। तो ये बच्चे वोट की कीमत को समझते हुए और वोट को जरूर डालते हुए, बुजुर्ग है, बुजुर्ग को गाड़ी में यहाँ लेकर के आया जा रहा है। तो हाँ जी, धीरे धीरे वोटिंग
संस्था जो है और मैं चारों तरफ चहक महक है, जैसे कि मेले में होती है वो यहाँ देखी जा सकती है, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक पर्व है, लोग मनाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने पर्व को मनाना बहुत ज़रूरी है। ये अधिकार जरूरी है, ये लेवल जरूरी है, ये कीमत जरूरी है, क्योंकि हमें यदि अच्छा नेता मिलेगा तो अच्छा शासन मिलेगा, अच्छा प्रशासन मिलेगा, तो सभी जो अपने धीरे धीरे चारों तरफ पूरा का पूरा एक कैमरा यहाँ घुमाइएगा कि किस प्रकार से लोग काफ़ी इस चीज़ के लिए खुश है कि आज हम अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग फर्स्ट टाइम है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि कब इलेक्शन ख़त्म हो, 22 तारीख कब आए, कब कैंडिडेट जीते, कब जश्न मनाए, तो वो अभी बाकी है। लेकिन ये अधिकार, ये पल, ये हक, ये वोट देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका फर्स्ट टाइम मैं क्या सत श्रीकाल बोलवा लिया आज ये आए, ये पापा एमसी के अंदर खड़े हैं, है भाई, अपील करेंगे पापा को वोट डालने। हाँ जी, तो ये पापा जो है एमसी पद के लिए असम दल चल रहा है, तो बंदोबस्त जो है प्रकार से